नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पावन कथा। माँ महागौरी माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप है। इन्हें आठवीं शक्ति कहा जाता है। महागौरी ही शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माँ का ध्यान करें, माँ के समक्ष दीप जलाएं, माँ को फल फूल नैवेद्य अर्पण करें, माँ की आरती करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को और एक बालक को पूजा जाता है। इन्हें घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है। कन्याओं तथा बालक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देनी चाहिए, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया था। शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने जब कठोर तपस्या की, तब माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी कि काला हो गया था। इसके बाद शंकर जी ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। तब माँ गौरी का शरीर गौर और देदीप्यमान हो गया। तब से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश दूर हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उनके निकट नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत और मधुर है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया। देवी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती है तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित भगवान रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के भांति अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी स्नेहमयी शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें इन्हें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करें।
जो स्त्री देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी हो। दुर्गा सप्तशती में सुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा जी के तट पर जिन देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ जिन्होंने सुंभ और निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और सांभवी के नाम से भी पूजित है। महागौरी के मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा सुचि महागौरी सुबदधान महादेव प्रमोददा। देवी गौरी का ध्यान स्त्रोत पाठ और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। इन महागौरी के सौभाग्य वृद्धि करने के उपाय महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं। फिर सिक्के को धोकर हमेशा अपने जेब में रखें। इससे धन संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। पानी वाले नारियल को सिर से 11 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से मनचाही इच्छा पूरी होगी। पीपल के 11 पत्ते ले और उन पर राम नाम लिखे पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दे। इससे सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर होगी। किसी एक खाली या फिर शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाए और अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाए और ये साधना काल करते समय तक दीपक जलते रहने चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्रीयंत्र रखे। इस श्रीयंत्र का कुमकुम फूल धूप दीप से पूजन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल में या फिर तिजोरी में स्थापित करें और शेष सामग्री को नदी में या फिर गमले में विसर्जित करें। इस प्रयोग से आपको जल्दी ही अचानक धन लाभ होगा। दुर्गा अष्टमी हवन के साथ मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ डालें। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो अपने परिवारजनों से भी इस मंत्र का जाप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर परिवार में मधुर संबंध बने रहते हैं। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। आपका विवाह नहीं हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो यह उपाय बहुत लाभदायक है। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या फिर नवरात्रि की अष्टमी को रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच करना है। नियमित 43 दिन तक करना है। अपने सोने वाले कमरे में एक चौकी बिछाकर तांबे का पात्र रखकर उसमें जल भर दे। पात्र के अंदर 8 लौंग 8 हल्दी 8 साबुत सुपारी 8 छुहारे इन सारे सामग्री को उस जल में डाल दे। फिर आम के 5 पत्ते दबाकर जटा वाला नारियल पात्र के ऊपर रख दे। वहीं आसन बिछाकर घी का दीपक जलाए। श्रद्धा पूर्वक धूप दीप अक्षत पुष्प और नैवेद्य अर्पण करने के बाद 5 माला मांग महागौरी की ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम महागौरी दिव्य नमः की और एक माला शनि पत्नी के नाम की स्तुति करें। रात्रि भूमि शयन करें। प्रातःकाल मौन रहते हुए यह सारी सामग्री किसी जलाशय में प्रवाहित कर दे। वैवाहिक जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।